तो फ्रेंड, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम चेंज है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर एड्रेस गलत है, कुछ भी चीज अगर गलत है और अगर आपको उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपका चेंज होके घर पर आपका पहचान पत्र आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पूरी प्रोसेस आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा, जैसे अगर आप नाम चेंज करते हैं, ये मैं पूरी मोबाइल से प्रक्रिया बताऊंगा और वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगी, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपके अगर किसी घर में या रिलेटिव में है तो आप उनको जरूर हेल्प कीजिएगा, उनका आप करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए क्या होगा, अगर आप नाम चेंज करते हो तो आपको एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेना है, मतलब आधार कार्ड अगर आपका है तो आपको उसको एक जेपीजी फॉर्म में एक फोटो क्लिप करना है, उसको तरीके से क्रॉप करना है और उसको सेव करके रखना है। ठीक, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसमें ड्राइविंग लाइसेंस या वो जो है ऐसा कोई आईडी प्रूफ लगा सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक, मतलब जन्मतिथि आपकी मेंशन हो। अगर एड्रेस वाला कोई सिस्टम है, अगर एड्रेस आपका गलत है तो आप उसके लिए भी आधार कार्ड का फोटो एक लगा सकते हो। ठीक, तो चलिए आप एक आधार कार्ड की फोटो क्लिक कर लीजिएगा जेपीजी फॉर्म में था। यहां पर हम प्ले स्टोर में जाएंगे और एक वोटर हेल्पलाइन नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहां पर जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे यहां पर टर्म एंड कंडीशंस आएगी, इसको आपको आई एग्री करके और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे स्किप एंड लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, बहुत आसान है इसको करना। इस फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और करेक्शन ऑफ जो है फॉर्म 8 का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अपना नाम डालने के बाद, तो अगली जो प्रोसेस होगी वहां पर आपको अपना जो है एक प्रूफ चाहिए होगा, यहां पर आपको लेट्स स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको यस और नो का ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब अगर आपके पास ये वोटर आईडी संख्या है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाल देनी है, जैसे नाम, फादर्स नेम, एज वगैरह यहां पर और स्टेट वगैरह यहां पर डाल देना है। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां से वोटर आईडी संख्या मिल जाएगी। ठीक, चलिए हमारे पास वोटर आईडी संख्या है, मतलब आपके पास वोटर आईडी संख्या तो होगी ही, कोई फोटो कॉपी वगैरह होगी या ओरिजिनल होगा, वहां से ये जो संख्या आप देख रही है ना, ये वाली संख्या होती है पहचान पत्र संख्या। ठीक, तो ये वो संख्या आपको यहां पर डाल देनी है, देखिए नए वाले पे यहां पर लिखी हुई होती है, तो ये वाली संख्या यहां पर डाल देनी है और फैच डाटा पर आपको क्लिक करना है, ये मैचिंग करेगा कि हाँ आप सही है। ठीक, फैच डाटा पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड वाला एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपकी पूरी डिटेल्स शो होगी और इस डिटेल्स के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ जाते हैं कि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर आप जो है अपनी फोटो चेंज करना चाहते हैं, आप इसमें फोटो भी चेंज कर पाएंगे या फिर जो है आईपीआईसी जो है ईपीआईसी चेंज करना चाहते हैं या फिर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ या जो है आप क्या चीज इसमें चेंज करना चाहते हैं, फादर्स नेम से लेकर सारी चीजें चेंज कर सकते हैं जो वोटर आईडी कार्ड की। ठीक, तो चलिए मैं फिलहाल यहां पर नाम चेंज करके बताऊंगा, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है। यहां पर कौन सा नाम डालना है, इसमें डालना है आपको नया नाम, यानी कि जो आप करेक्शन करना चाहते हैं। जैसे अगर मेरा नाम आर ए जे आई वी है और मैं आर ए जे डबल ई वी करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आर ए जे डबल ई वी डालूंगा। ठीक, इस नाम को डाल देने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पर इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो कीवर्ड वाला है, तो यहां पर नीचे हिंदी में टाइप होके आएगा। अगर आपका यहां पर हिंदी में सही से टाइप होके नहीं आता है तो आप इस कीवर्ड का यूज करके और हिंदी में एकदम सही करेक्ट भर लीजिएगा। ठीक, यहां पर डाल देने के बाद आपको यूजर नेम डालना, सरनेम डालना होगा, सरनेम में आप अपनी जो है कोई जो भी आप कास्ट के हो आप वो यहां पर डाल दीजिएगा। यहां पर यह डाल देने के बाद आपको नीचे एक मोबाइल नंबर देना होगा और मोबाइल नंबर देने के बाद यहां पर एक फोटो का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहीं पर आपको जो मैंने बताया था आधार कार्ड की एक फोटो जेपीजी फॉर्म में क्लिक करके रखना है, वो फोटो हमें यहां पर गैलरी में जाएगा और गैलरी में क्लिक करने के बाद आप यहां गैलरी में पहुंचेंगे और यहां से आप अपनी फोटो एक अपलोड कर लीजिएगा। ठीक, फोटो एकदम सही फॉर्म में होनी चाहिए और करेक्ट दिखाई देनी चाहिए, उसमें सब स्पष्ट, ठीक, वरना आपका रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको एप्लीकेंट का आपको नाम पूछा जाएगा, तो मतलब यहां पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा और नीचे अपना प्लेस डाल दीजिएगा, आपने जहां से भी डाला है। ठीक,
मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां पर आप डाल सकते हो। ये डाल देने के बाद आपको डन वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, दोबारा से वोटर जो आपने आधार कार्ड यहां पर लगाया हुआ है वो भी दिखाई देगा। यहां पर आपको अगले वाले बटन पर जो है क्लिक करना है, सबमिट वाले बटन पर। यहां पर कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहां पर एक जो है आईडी दी जाएगी, जो आईडी आपको अगर जब भी आपका करेक्शन होगा तो ये 15 से 20 दिन का इसमें टाइम लगेगा, तो आप इस आईडी से ट्रैक कर पाएंगे कि अभी ये प्रोसेस कहां तक पहुंची, हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो करेक्शन होके कहां तक आ गया है। क्योंकि ये जो आधार कार्ड, ये जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, ये बाय द पोस्ट आएगा, यानी कि पोस्ट के द्वारा आपके घर पर आपको पहुंचा दिया जाएगा 15 से 20 डेज के अंदर अंदर। ठीक, तो इस तरीके से था ये वीडियो हमारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।